हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। 2023 के आने वाले एग्ज़ाम CGL, CHSL और MTS और CPO की आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंटेंट आपके लिए रिलेवेंट है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए कंटेंट रिलेवेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको घर रह के पढ़ाई करना चाहिए या लाइब्रेरी में पढ़ाई करना चाहिए। देखो, मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी लोग इस पर बात कर चुके हैं, कई लोग अब बात करेंगे जैसे मैं अब करने वाला हूँ। लेकिन एस्पिरेंट्स का ये रहता है कि कन्फ्यूजन कि भैया कहाँ पढ़े। देखो, जो क्लियर कट रहता है, जिसके जो अपने खुद डिसीजन ले सकता है, कई लोग ऐसा होता है जो छोटे छोटे चीज़ों पे दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, और ये कोई गलत बात नहीं है। खुद का डिसीजन मेकिंग सबका अपना वेरी करता है, कोई जल्दी डिसीजन ले लेता है, कोई लेट लेता है। हम इस वीडियो में थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ों में बात करेंगे, जिससे आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपको लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए या घर रह के पढ़ाई करनी चाहिए। शुरू करने से पहले आपको टेस्ट बुक के पास के बारे में बता देता हूँ। टेस्ट बुक को 18 मंथ्स बम्पर सेल चल रही है, 6 से 7 मई की ये सेल है, आप इसमें पास ले सकते हैं। आपको पता है, जैसे टेस्ट बुक पे CGL, CHSL, MTS, कई जो करंट एग्ज़ाम है उनके मॉक टेस्ट चल रहे हैं। CGL की बात करें तो वहाँ पर लगभग 1700 मॉक टेस्ट है, 21 लाख एक्टिव यूज़र है। CHSL में लगभग 2300 वहाँ पर मॉक टेस्ट है, 14 लाख एक्टिव यूज़र है। MTS में 1400 टेस्ट है, 13 लाख एक्टिव यूज़र है। ये सारा 18 मंथ्स का पास आपको सिर्फ 269 रुपीज़ में मिलेगा 18 महीने के लिए, तो आप ये ले सकते हैं। कूपन कोड मेरा ट्रू यूज़ करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट भी इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं, देखो, लाइब्रेरी और होम। देखो, अगर मैं ऐसे जनरल आपको बता दूँ, आपके घर में 5 से 7 मेंबर होते होंगे। अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो तो वहाँ पर लगभग 30-40 लोग होते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ। मतलब 100 लोग भी हो सकते हैं, 150 लोग भी हो सकते हैं। अगर क्राउड की बात करें तो लाइब्रेरी इज़ ओवर क्राउडेड इन कंपेरिजन टू होम। स्टिल हम लाइब्रेरी प्रेफर करते हैं, उसके पीछे रीज़न है, और इसमें एंड ऑफ द वीडियो में कंक्लूजन भी बताऊंगा, और आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम 3-4 मिनट में क्विकली इसको रैप अप करने की कोशिश करेंगे। देखो, आपके घर में 5-6 मेंबर होते हैं, स्टिल आप जो 150-200 लोग जहाँ पे बैठे हैं उसको प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो घर का इन्वायरमेंट है वो हमें तवज्जो नहीं देता। तवज्जो इन द मीन्स कि हमारी जो हार्डवर्क करने की जो डेडिकेशन है, हमारी हमारे अंदर जो लालसा है कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इसके लिए पढ़ाई करनी है, कहीं ना कहीं घर वाला हर आदमी उस लेवल तक नहीं समझ पाता, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ये फ्रेज़ है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, या राजस्थान में, राजस्थान से हो तो राजस्थानी में कहते हैं घर के काकान काको कोई कौन के हो, मतलब घर के जो अंकल होते हैं उसको अंकल कोई नहीं कहता, पड़ोसी वालों अंकल को अंकल अंकल करके घूमते रहते हैं, सर सर कहते रहते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप घर पे रह के मेहनत करते हो, उसकी वैल्यू नहीं होती घर पे, और कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। घर पे कोई छोटा मोटा सामान चाहिए, कहीं ना कहीं जो तैयारी कर रहा होता है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है घर में, तो उसको भेज देते हैं। दुकान पे कोई सामान लेने जा रहा है, इनफैक्ट सामान वापस जमा कराना है, वो चला गया। और जो दादाजी होते हैं या सीनियर आदमी जो होते हैं, जिनको मतलब यूज़ टू नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ, वो किसी को फ़ोन नंबर भी डायल करवाना है तो आपको आपको बोलेंगे, आपसे काम करवाएंगे वो। मतलब ये फ्यू एग्जाम्पल्स हैं जिनकी वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो घर के इन्वायरमेंट में ऐसा होता है, और इसमें कोई वो नहीं है, एक्सेप्शंस नहीं है, सबके यहाँ पे ये रहता है। मतलब बहुत ही हाईली एजुकेटेड क्लास है तो शायद वो समझ जाए, बट 90% लोगों का यही केस रहता है। लेकिन अब आप घर से लाइब्रेरी निकल जाते हो तो 9 to 5 या 9 to 8 आप जो भी 10-12 घंटे लाइब्रेरी में आप बिता रहे हो, तो वहाँ पे एक ये वाली जो छोटी मोटी चुटपुट डिस्टर्बेंस है वो नहीं होती। तो इस सेंस में लाइब्रेरी इज़ फार बेटर। तो देखो, लाइब्रेरी और घर में कुछ नहीं है। जैसे मेरी पढ़ाई, मैं बाहर रहता था, जॉब करता था, उस टाइम हुई है मेरी, तो एक्चुअल में हमने घर ही ले रखा था, हम 3 लोग रहते थे, शेयरिंग 3 BHK फ्लैट ले रखा था, लेकिन जो मेरा रूम था वो सेपरेट था, बाकी 2 लोगों के सेपरेट थे। तो वैसे वाला था कि मेरे रूम में मैंने ऐसे हिसाब से स्टडी इन्वायरमेंट बना रखा था, टेबल लगा रखी थी, बुक्स रखी थी, उस पर चेयर और कूलर लगा रखा था गर्मी के लिए, और मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। मतलब इट वाज मोर और लेस लाइक ए लाइब्रेरी। बट घर पे सेम चीज़ हमें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर पे हमें सेपरेट रूम मिलना इट्स डिफ़िकल्ट। अगर मिल भी जाता है तो कभी छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू आ रहे हैं, कभी कौन, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है। अगर आपके घर में जैसे मेरे को इन्वायरमेंट मिला पढ़ाई के टाइम, मेरे को सेपरेट रूम मिल गया और उसमें सारी फैसिलिटीज़ मुझे अपने हिसाब से अरेंज कर ली, नोबडी वाज देयर टू डिस्टर्ब मी अपार्ट फ्रॉम द वर्क। जैसे मैं काम से फ्री होता था, मैं पूरा पढ़ाई करने लग जाता था। अगर ऐसा इन्वायरमेंट आपको घर पर मिल रहा है, बिलीव मी, देर इज़ नो प्लेस बेटर देन होम। आप लाइब्रेरी में 300-400 लोगों के, 200-300 लोगों के, 100-200 लोगों के बीच में आप बैठ के पढ़ रहे हो, और आप घर पे तो मतलब एक तो आपका ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है, लाइब्रेरी जा रहे हो आ रहे हो, उसके बाद कई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वहाँ पे,
कई कई लोगों के तो दिल लग जाते हैं लाइब्रेरी में, तो वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाते हैं घर पे, और आपको घर बैठे ही खाना मिल जा रहा है, सब कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल जा रही है, रेस्ट करने के लिए आपका बेड मिल जाता है अगर आप डेडिकेटेड हो, और आपको ये वाली फैसिलिटीज़ मिल रही है जो मैंने बताया, एक सेपरेट रूम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो होम इज़ बेटर। अगर आपके घर में डिस्टर्बेंस है, आपके घर में एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मैंने बताए उनके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कई सारे डिस्टर्बेंस हो सकती है, छोटे मोटे बच्चे हैं, दादा दादी के छोटे मोटे काम में आपको बताया जाता है, तो बेटर आप 1,500 रुपये आपके महीने के लगेंगे, बट चूज़ लाइब्रेरी, 5-6 महीने आप अच्छे से पढ़ाई करो। कई लोगों का ऐसा है घर से भी निकल चुके हैं, बाहर रूम भी ले लिया है और फिर लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो वो भी सेम फैक्टर वहाँ पे, अगर आपके जहाँ रूम ले रखा है, आपने जहाँ फ्लैट ले रखा है, वो अगर आपको सेपरेट इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर रखा है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं शेयरिंग में रहते हैं, मनी प्रॉब्लम है, 5-5, 6-6 लोग एक साथ रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर आपको सेम इशू फेस हो रहा है जैसे घर वाला इशू हो रहा है, वहाँ पे शायद आपको कोई काम तो नहीं बताएगा, लेकिन कई लोग होते हैं जिसको मटरगश्ती करने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करने आ गए, बट वो इतने डेडिकेटेड नहीं होते, इतने हार्डवर्किंग नहीं होते, वो सारे दिन रील चला रहे हैं, स्टोरीज देख रहे हैं, कुछ कुछ मटरगश्ती मार रहे हैं, तो उस केस में भी आप लाइब्रेरी जा सकते हैं। अगर आपको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है तो लाइब्रेरी इज़ फार फार बेटर देन होम, अगर आपको इन्वायरमेंट जैसे मैंने बताया जो मुझे मिला था वैसा मिल रहा है, तो होम इज़ फार बेटर देन लाइब्रेरी, ये इसी अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो। डू नॉट फॉलो द ट्रेंड कि मेरा दोस्त लाइब्रेरी जा रहा है, मेरा दोस्त घर से पढ़ाई कर रहा है तो मैं भी घर से पढ़ाई करूँ या मैं भी लाइब्रेरी जाऊँ। देखो हर कोई अलग सिचुएशन में, हर किसी का एक अलग इन्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंगली डिसाइड, ऐसा नहीं है कि किसी को आप फॉलो कर रहे हो, डू नॉट फॉलो द किसी के पद चिन्हों पर मत चलो, अपना एक इन्वायरमेंट डिसाइड करो। और देखो ये भर्तियां इतनी जल्दी जल्दी हो रही है, 21, 22, 23, और इतना इतना मतलब एकदम टाइम से जो चीज़ें हो रही है वो शायद समय कभी नहीं आएगा, 2000 जो इलेक्शन आ रहा है लोकसभा इलेक्शन, उस तक शायद चीज़ें बहुत स्पीड से बहुत टाइम से चलेगी, तो बिलीव मी दिस इज़ द राइट टाइम टू वर्क हार्ड, और आप पूरा जी जान लगा के जो भी जहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से पढ़ाई करते रहना। This is all in this video, guys. Thank you. Thanks for watching.